लास्टली गाजा का पूरा सिचुएशन और ये जो प्रोडक्ट बैन वाली चीज है, बहुत लोगों ने बहुत सी बात की, आपने भी उससे बहुत बात की, उस पर भी कुछ रिसर्च भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने की कि जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर के हमारी सेल्स बढ़े। एक तो प्रोडक्ट बैन के ऊपर आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक जेन जी के जो बच्चे हैं और उनमें साहिल साहब भी और भी, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर कहा कि जी आपकी नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्पेयर टू कि आप बैन नहीं कर सकते और लोग बंद हो जाएंगे, मतलब ड्राइवर्स की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। एक तो ये वाली पॉइंट, और दूसरा कि एज ए नेशन, पहले इसको इयॉन वालों के साथ जो मेरी पॉडकास्ट हुई थी वो आपने देख ली है, मेरा नजरिया उसमें जो है वो ही है। मैंने लॉजिकली डिस्कशन की और उस बंदे के साथ डिस्कशन कर रहा था जिसे दूसरी तरफ के दलाइल भी पता थे, और उन्होंने वो चीज सामने भी रखी, मैंने उसे रिबटल किया और उन्होंने ईमानदारी का सबूत देते हुए एडमिट किया कि वाकई जिस तरह आप बात कर रहे हैं वैसे तो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा मेरा तो मौकिफ यह है कि यहां पे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है इन चीजों के साथ, इस किस्म के बाइकाट का कोई फायदा नहीं। और अगर आपने बाइकाट करना है फिर एक नंबर बाइकाट करें, फिर आप व्हाट्सएप का भी बाइकाट करें, और जो गाड़ी आपने निकलवाई है जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं मुबैना, चले मैं वो साफियों वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं, तो भाई उसकी कमाई भी उधर ही जा रही है मुबैना। आप भी कोई मेरी तरह मोटर बाइक रख सकते थे, तो वो फिर सारी चीजें जमा होती है, लोग फिर इस एंगल से भी देखते हैं कि यार ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। बाकी ओवरऑल पाकिस्तानी नेशन को फायदा हुआ है कि एक क्वालिटी फूड उनको सस्ता मिलना शुरू हो गया है। केएफसी ने इतनी डील्स लगाई हैं कि एक गरीब आदमी जो गंदे ऑयल में पके हुए लोकल चीजें खा रहा था उसे भी मौका मिल गया कि वो साफ सुथरा अजमेर शरीफ बगदाद शरीफ का बना हुआ चिकन यानी केएफसी में, मैं उसकी क्वालिटी इस एतबार से बयान कर रहा हूं, वो खा रहा है। तो ओवरऑल तो फायदा हुआ है, केएफसी पे तो रश अब बढ़ गया है आप देख लें। फिर मुझे बताया जो मीरपुर में आग लगाई वो तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने फिलिस्तीन फतह कर लिया। अब होना तो ये चाहिए था कि इसका पूरा रूट काज एनालिसिस करके ना उन लोगों को भी पकड़ा जाता जिनसे मोटिवेट होके उन्होंने आग लगाई, वो तो पाकिस्तानियों की नौकरी गई ना। मैंने उस वक्त यौन की पॉडकास्ट में भी अपने भाई से ही कहा था कि भाई ये जो हजारों लोग बेरोजगार होंगे ना इनके खर्चे कौन उठाएगा, ये जो हमें आप कहानियां कराते हैं ना कि जी आप अल्लाह के लिए ये नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं करते हो अल्लाह के लिए, आप अनाउंसमेंट करो आपका सारा मौलवी तबका कि हम ये जो लाखों के चंदे हथियार है ना आपसे, कल से हम सादा जिंदगी गुजारेंगे और वो बच्चे जो केएफसी की जॉब की वजह से बेरोजगार हुए हैं उनके घर का खर्चा हम चलाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कितने मुखलिस हो, आप लोग क्यों नहीं करते हो। फ्रांस में बैठ के पोस्ट लगा रहे हैं कि फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, जब ये टीएलपी वालों ने फ्रांस के खिलाफ ये सब कुछ शुरू किया ना कार्टून के ऊपर, तो फ्रांस से पोस्टें लग रही थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था अल्लाह के बंदो सबसे पहले तो तू वापस आना है। फिर आखिरी बात मुझे बताएं, आज तक किसी मौलवी ने या इस किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर ने जिसको कभी फाइनेंशियली उसकी कास्ट के लिए सपोर्ट किया जाए या किसी भी जमात को सपोर्ट किया जाए, इन्होंने आज तक किसी बंदे से पूछा कि तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हो सकता है उसे रिमिटेंस आते हो बाहर से, और आते भी हैं, ज्यादा तो पैसा वो लगाते हैं। मौलवी ने कभी नहीं कहा कि मैं डॉलर और पाउंड नहीं लूंगा, सिर्फ उन लोगों की कमाई लूंगा जो यहां पे है, तो ये छोड़ दें, ये अपनी इस कास्ट के साथ मुखलिस नहीं है। बाकी फिलिस्तीन के हवाले से हमारा मौकिफ है कि इसराइल ने जो कुछ किया ये वही कुछ किया जो हिटलर ने इनके साथ किया था, इससे बड़ी गाली मैं इसराइल को नहीं दे सकता, ये वो गाली है जो इनकी कब्र में भी इनके साथ जाएगी कि जो कुछ हॉलोकास्ट में तुम्हारे साथ हिटलर ने किया ना, इस वक्त हिटलर की जगह तुम आ गए हो और मुसलमानों को तुमने जो है वो उन यहूदियों की जगह कर दिया जिनके लिए 100 फैक्ट्रियां बनाई गई और उन्हें जुल्मन कत्ल किया गया। हम हिटलर को भी कंडेम करते हैं, हिटलर की लेगेसी इस वक्त इसराइल लेके चल रहा है और उन मजलूम यहूदियों की लेगेसी मजलूम फिलिस्तीनी लेके चल रहा है, इससे बड़ी मैं कोई गाली इसराइल को नहीं दे सकता, ये एक एथिकल गाली है जो कंट्रोल वर्ड्स में मैंने दे दी। और आपको लगता है कि एज अ नेशन भी हमने कुछ नहीं किया, एज अ हुक्मरान बेशक वो फौज हो गवर्नमेंट हो, नहीं मेरा ख्याल जो हमने किया बस इतना ही कर सकते थे, कर इतना सकते जी इतना ही कर सकते थे। अब आपको वो रियलिटी कौन बताए, बात यह है कि इसमें अगर हम ये नहीं समझ रहे तो इसमें भी मैं मेरे अजीज हम वतनों उन्हीं को मुजरिम समझता हूं, उन्होंने मिली तराने चला चला के टीवी पे जो पिक्चर पेश की थी ना अपनी और पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ, हकीकत बात है कि वो इंडिया तक भी मुश्किल से ही चलती है, बजाय ये कि हमें वर्ल्ड लीडर बना के पेश किया जाए और इस्लाम का किला, हकीकत यही है जितना इस वक्त आईएसपीआर ने किया ना बस इतने ही हो गए, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये एक रियलिटी है। मैंने बार बार बताया पाकिस्तान का डिफेंस का निजाम हो पाकिस्तान का, बाकी यार हम तो एक महीने के लिए बॉर्डर पे अपनी फौज नहीं रख सकते, हमारी इकॉनमी का ये हाल है। ठीक है, जिनकी इकॉनमी अच्छी थी 40+ मुल्कों का इतिहाद बनाया था सऊदी अरब ने, और वहां पे अरब एम्पीरियलिज्म की वजह से एक अरबियत की वो असबियत आज तक मौजूद है अरब और अजम की, यार वो अपने भाइयों के सामने खड़े हो सके, हम तो शाही कोई नहीं, उसके हेड भी हमारे जनरल साहब हैं। हाँ, वो देख लें, और वो भी वो तलवार उठा के नाचता ही रहा है, कर तो कुछ नहीं सका,
बस इनका नाच गाना देख ले, तो मैं इसमें सबसे बड़ा मुजरिम सऊदी अरब को समझता हूं। उनकी जितनी पावर थी ना, देखें अमेरिका को भी हिला के रख देते हैं वो, फिर रशिया के जब से वो करीब हुए मैं, हकीकत बात है कि एक तगड़ा उनका इतिहाद बना हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। पाकिस्तान का नंबर तो बहुत बाद में आता है, फिर तैयब अर्दगान, वो भी बयान की हद तक था, अब वो भी आना बंद हो गया। इसी तरह ही होना था, ये शुरू शुरू में चीजें होती हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं, सीधी सी बात है। पाकिस्तान इतना ही कर सकता था, लिहाजा पाकिस्तान से हमें कोई गिला नहीं है। गिला यह है कि आपने जो अपनी पिक्चर टार्जन वाली पेश की थी ना, आप वो नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप कहें कि ये माने कि हम ये कुछ नहीं थे, तो वो तो आपको पता है कि इनके जीन्स में नहीं है अपनी गलती को मानना, इसलिए वो कभी मानेंगे नहीं। लेकिन हकीकत है, अपने बच्चों को बताएं कि हम इतने जो गई हैं, यही कुछ कर सकते हैं, और ये जो लोग कहानियां करवा रहे हैं ना, इनको जोश दिला रहे हैं कि उठो और जोर शर्म चले जाओ, क्या करो, डंडे लेके चले जाओ। और मैंने देखा कितना बड़ा ट्रूथ रिवील किया इसकी वजह से, इन्होंने इनका मेंटल लेवल ये है कि इन्होंने उसको भी गुस्ताखी बना लिया। मैंने समझाने के लिए बात की थी कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने रोमन्स को शिकस्त दी मुख्तसर जमात के साथ, लेकिन असला बराबर की टक्कर का था, क्वांटिटी का फर्क था, क्वालिटी का नहीं था। अगर रोमन जनरल एक तलवार लेके आए ना, खालिद इब्न वलीद भी एक तलवार लेके गए, तो मैंने कहा था कि आज अगर 1000 खालिद इब्न वलीद हो तो इसको उन्होंने गुस्ताखी बना लिया, लिहाजा मैं वो अब जुमला दोबारा रिपीट नहीं करता, जिस तरह वो जाहिल वाली बात रिपीट करता। मैं कहता हूं आज अगर 1000 हमारे को जंगजू हो जिनके हाथ में तलवार हो, सामने से एक क्लीन शेव यहूदी एक जो है वो ऑटोमेटिक गन लेके आ जाए, तो ये क्या करेंगे? ये फर्क है। इस वक्त एयर स्ट्राइक ने मुस्लिम दुनिया को इतना पीछे छोड़ दिया कि हम इस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जमीनी जंग पे कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक में नहीं कर सकते। आज दुनिया से एयर स्ट्राइक खत्म कर दें, पाकिस्तानी फौज सबसे बेहतरीन फौज है लड़ने के लिए। तालिबान क्यों कामयाब हुए? उनके पास तोरा बोरा था, छुपे रहे। कारपेट बमिंग होती थी, बहुत जानों का नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं तालिबान जीते हैं, तालिबान नहीं जीते, अमेरिका हारा है, तालिबान नहीं जीते, हारा है कि इकॉनमी का बोझ नहीं उठा सके, चले गए। आज वो आगे बैठते हैं, ये बेचारे फिर चले जाएंगे गारों के अंदर। क्यों? ये नहीं उनका मुकाबला कर सकते, इनके पास एयर स्ट्राइक नहीं है। वो ऊपर से आगे बमिंग करके B-52 और ये जब हम बातें करते हैं ना, तो फिर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है कहते हैं कि हमारे बच्चों को बुजदिल बना रहा है, बुजदिल बना रहा। भाई मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और मैं 15 साल उस इदारे से वाबस्ता रहा हूं जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम सारा उधर से है, तो मुझे तो पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है, कि हम कितने जोगे हैं। हम जितने जोगे हैं बस उतने जोगे हैं, अभी हमें बहुत तरक्की की जरूरत है। और सबसे पहले जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ भी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, और इवन अब तो पीटीए वाले भी उस तरह के इजलासों में बैठना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को पहले देखा जाए कि इसका क्या करना है। इकॉनमी के बगैर जंगें नहीं लड़ी जाती। लोग कहते हैं इंडिया में खत्म कर रहे हैं, इंडिया को क्या जरूरत है हमें खत्म करके? इमरान खान अपने मत लगवाने की जरूरत है? हमारी जो इकॉनमी जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, एक तबाही की सूरत हाल है। लेकिन कुछ अरसे से ये बात मानने वाली है, जो क्रेडिट है कि पिछले 6-7 महीने से डॉलर तो 278 पे रुक गया ना आके, ये क्रेडिट जाता है। डॉलर की चोरी रुकी जो अफगानिस्तान हो रही थी, कस्टम में जो कुछ मामलात हुए, बेहतरी की तरफ बार मामलात जा रहे हैं। लेकिन इस बजट ने जो कोई रिफॉर्म्स हुए थे ना, उनको भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बजट मुझे कोई कहने में आ रही है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन बजट है। तनखादार तबके की कमर तोड़ के रख दिए, और इसकी वजह से कोई मोहब्बत के जज्बात नहीं है। इस वक्त जितने लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिन जमातों से, कम अज कम मुझसे और मेरे स्टूडेंट से ये उम्मीद ना रखें कि इस तरह के बजट के साथ हमारा कोई स्टूडेंट या मैं इनको अगले इलेक्शन में वोट डालने वाला हूं। पिछले इलेक्शनों में किसको डाली, वो एक अलग मामला है, मुख्तलिफ जमातों को डाली। अगले इलेक्शनों में इस तरह के लोग जब वोट मांगने आएंगे ना, हम उनको वोट कम अज कम इनको नहीं डालेंगे।